ज्योतिष हमारे देश की बहुत प्राचीन विद्या है और समय समय पर ज्योतिष के विद्वान ग्रहों की स्थिति देकर भविष्यवाणियां करते हैं। ज्योतिष के प्रसिद्ध विद्वानों की माने तो मंगल ग्रह की स्थिति से युद्ध का विचार किया जाता है और मंगल ग्रह ने अब अपनी स्थिति को बदल लिया है। इस युद्ध का असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है, इसलिए हमने देश के प्रसिद्ध जाने माने ज्योतिषाचार्यों से बात की और उनसे समझने की ये कोशिश की कि आखिर यूक्रेन और रूस के महायुद्ध में अब आगे क्या होने जा रहा है, ये युद्ध खत्म होगा या फिर अभी और विनाश लीला देखनी होगी। जंग चल रही है जबरदस्त। युद्ध की उथल पुथल से पूरी दुनिया है त्रस्त। कब खत्म होगा युद्ध, कब होगा समझौता, ज़ेलेंस्की जीतेंगे या पुतिन? देश के बड़े बड़े ज्योतिषी अपनी राय देंगे। एक्वायर कर लिया जाएगा रशिया के द्वारा यूक्रेन का एरिया। यूक्रेन के अंदर अंतःकलह और ज्यादा बढ़ सकता है। पुतिन की डेफिनेटली कुंडली दमदार है। विद्वानों का कहना है कि मंगल की मूवमेंट से शनि और गुरु प्रभावित हो रहे हैं, तो अब युद्ध में क्या होगा? सवाल ये है कि महाभयंकर स्थिति में मंगल क्या इसलिए रक्तपात होगा जमकर? मंगल के साथ गुरु, किसका पूरा टाइम शुरू? रक्तपात या शांतिपात, शनि की वक्र दृष्टि किस पर असर डालने वाली है? शनि देव अभी कुंभ राशि में अकेले बैठे हुए हैं और जब 27 तारीख को मेष राशि में मंगल आ जाएंगे तो वहां पर ये अपना प्रभाव और भी ज्यादा दिखाएंगे, क्योंकि 27 जून के बाद जो है बहुत सारी चीजों में फिर बदलाव होगा और कहीं ना कहीं युद्ध की जो संभावना है वो फिर से दिखाई देगी। बंद तो होता कहीं नजर नहीं आ रहा, जितना सबसे पहले हुआ था जब मंगल और शनि की जो युति बनी हुई थी, विस्फोटक युति बनी हुई थी, और ऐसे में यहाँ पर जो निर्माण की हुई, जैसे कहते हैं मंगल होता है जो विस्फोटक चीजों का वो करता है, शनि निर्माण करता है, मगर यहाँ पर जब दोनों ही एक साथ आ जाते हैं तो विस्फोटक स्थिति बन जाती है। ज्योतिषी गणनाएं दिखाती है वो इस प्रकार से दिखाती है कि आने वाले समय में यूक्रेन के अंदर अंतःकलह और ज्यादा बढ़ सकता है। जिस प्रकार से ग्रहों की स्थिति है, बृहस्पति के साथ मंगल की जो स्थिति बनने वाली है और मंगल आगे जाके और स्थिति जो कराएंगे, वहां अंतःकरण की स्थिति, अंतः विरोध की स्थिति बहुत बुरी हो सकती है और अशांति का वातावरण बन सकता है। पुतिन की कुंडली डेफिनेटली बहुत अच्छे से आगे आने वाले में उत्थान के योग बनाएगी, सम्मान के योग बनाएगी, और ज़ेलेंस्की की स्थिति उनको बहुत बुरी फंसा सकती है जन्मपत्री देखते हुए लगता है। यूक्रेन और रूस के करीब 100 दिनों की इस दौर में आखिर कौन ताकतवर हुआ? ज़ेलेंस्की दावे तो बड़े बड़े कर रहे हैं, वो पुतिन के हर बम का हिसाब लेने के दावे कर रहे हैं, अपने देश की जनता के घावों पर मरहम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ज्योतिषी क्या कहते हैं, किसके सितारे कितने मजबूत हैं? अभी अगर हम बात करें पुतिन की और ज़ेलेंस्की की पत्री की, तो ज़ेलेंस्की की पत्री के लिए समय बहुत खराब चल रहा है, उसे कॉम्प्रोमाइज़ काफ़ी ज़्यादा करना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा जो एक्वायर कर लिया जाएगा रशिया के द्वारा यूक्रेन का एरिया ज़ेलेंस्की की नहीं टिक पाएगी। वहीं पुतिन जो है वो अपनी जिद पर अड़े रहेंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ उनको भी करना पड़ सकता है, लेकिन वो उसको भी मैनेज कर जाएंगे। यहाँ तक कि जो इकोनॉमिक सैंक्शन चल रहा है या और बातें चल रही हैं उनको भी वो मैनेज कर लेंगे और आगे बढ़ पाएंगे, उन सबसे उभर पाएंगे। मंगल की स्थिति जो है वो गुरु के साथ मिलकर कहीं ना कहीं उसको
बिल्कुल स्थिति में ऐसा बना दिया है कि जहां पे यूक्रेन अब उभर नहीं सकता और उभरेगा तो कई साल लग जाएंगे, बहुत स्थिति उसकी भयावह हो चुकी है। ऐसी स्थिति से उभरना, क्योंकि फाइनेंस बहुत कमजोर हो गया, अब गुरु कमजोर हो गया, फाइनेंस कमजोर हो गया, तो फाइनेंस बनाने में बहुत समय लगेगा। कम से कम यहाँ पर अगर माने तो कम से कम 15-16 साल लग जाएंगे। 16 साल गुरु की महादशा जैसे होती है, तो 16 साल से कम का समय नहीं लगने वाला, क्योंकि यूक्रेन की स्थिति अब बिल्कुल ऐसी है कि वो उसे उभरने में बहुत समय लगेगा। ज्योतिषियों की माने तो शनि को इंसाफ का देवता माना जाता है, शनि इंसाफ करते हैं। इस जंग में दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है। आखिर ये कैसा कहर है जिसने हजारों लोगों की जान ले ली है, लाखों लोगों को विस्थापित कर दिया है। राहत तो नहीं मिलने वाली उन्हें, क्योंकि इमोशंस बहुत हाई रहेंगे, बहुत ज़्यादा हाई रहेंगे, तो या मरो या मारो टाइप्स के रहेंगे, तो बहुत मूड स्विंग्स, तो बहुत ही एक इमोशनल हाई पे रहेंगे यूक्रेन के लोग। पुतिन या ज़ेलेंस्की, किसके कुंडली दमदार है? पुतिन की डेफिनेटली कुंडली दमदार है, बट अगर वो किसी और कॉन्फ्लिक्ट में ना पड़े, सिर्फ यूक्रेन तक रहें, क्योंकि अगर किसी और कॉन्फ्लिक्ट में रहेंगे तो जिस सिचुएशनल चीजें बनेंगी वो जैसे चौतरफा फिर उन पे वॉर हो जाएगा। क्योंकि मंगल जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड ग्रह है, 0 और 1 में खेलता है, कहता है कि हाँ या ना, तो विद्रोह की स्थिति यूक्रेन के अंदर पैदा होगी, यूक्रेन के अगल बगल पैदा होगी और यूक्रेन अलग थलग पड़ने वाला है अब, और खास तौर से इसकी वानगी 12 जुलाई से 23 अक्टूबर के बीच करीब करीब देखी जाएगी। और स्थितियां यकीन मानिए 12 जुलाई से 23 अक्टूबर तक यूक्रेन और उसको सपोर्ट करने वाले और उसके आसपास के देशों के लिए विध्वंसकारी रहेंगी। ज्योतिष के कई विद्वानों का दावा है कि पुतिन को खतरा बाहर से नहीं बल्कि अंदर से है। पुतिन के करीबी लोग ही पुतिन को जहर देने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए पुतिन को अपनी सुरक्षा पर बहुत ध्यान देना होगा। इन कयासों के बीच दुनिया में एक ऐसी खबर ट्रेंड कर रही है जिसने तहलका मचा दिया है। दुनिया के कई बड़े अखबारों ने यह खबर प्रकाशित की है कि पुतिन अब सार्वजनिक समारोह में उपस्थित नहीं हो रहे हैं, बल्कि उनकी जगह पर उनका हम शक्ल सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल हो रहा है। ये दुनिया के एक बड़े अखबार की हेडलाइंस है। MI6 का दावा है कि इस बात की संभावना है कि पुतिन की मौत हो चुकी हो और उनका कोई हम शक्ल ही अब सार्वजनिक कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहा है। MI6 यानी मिलिट्री इंटेलिजेंस सेक्शन 6 कभी कोई दावा बिना सटीक जानकारी के नहीं करता है, क्योंकि ये ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी है और दुनिया की बेहद प्रतिष्ठित खुफिया एजेंसी है, जिसने यूक्रेन युद्ध के दौरान एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है। क्या ये दावा सच है? क्या वाकई में जिस पुतिन को जनता टीवी पर देखती है वो पुतिन नहीं बल्कि उनका कोई हम शक्ल है? ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी का दावा सच्चा है या फिर झूठा? आज हम इसकी पड़ताल करेंगे, क्योंकि इस बेहद अहम जानकारी का असर यूक्रेन और रूस के मौजूदा युद्ध पर भी पड़ सकता है। सबसे पहले आपको हम कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें आज से 4 साल पहले की हैं। ये पुतिन की एकदम असली और ओरिजिनल तस्वीरें हैं। पुतिन अपना कोट पहनते हैं, पुतिन अपने कमरे से बाहर निकलते हैं और अपनी आलीशान गाड़ी के अंदर बैठते हैं। इसके बाद पुतिन का काफिला क्रेमलिन पहुंचता है। यहाँ पुतिन सीढ़ियों को बहुत आराम से चढ़ते हैं, वो बिल्कुल स्वस्थ नजर आ रहे हैं। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच पुतिन रूस के राष्ट्रपति पद के लिए दोबारा शपथ लेते हैं। नोट करने वाली बात यह है कि इन तस्वीरों में पुतिन के शरीर का वजन काफी कम लग रहा है, लेकिन यूक्रेन और रूस युद्ध के दौरान पुतिन की जो तस्वीरें सामने आई हैं, जरा उसको भी गौर से देखिए। ये तस्वीरें मार्च महीने की हैं, जब क्राइमिया के विलय के बाद पुतिन ने जश्न के कार्यक्रम में भाग लिया था। यहाँ पुतिन कम एक्टिव नजर आ रहे हैं और उनका वजन भी ज्यादा बढ़ा हुआ लग रहा है। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। 9 मई को जब रूस का विजय दिवस था, उस वक्त भी तस्वीरें करीब करीब ऐसी ही नजर आ रही थी। सवाल ये है कि क्या वाकई में पुतिन की जो तस्वीरें दुनिया को नजर आ रही है उसमें कुछ ना कुछ तिलिस्म है? सवाल ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी प्रोपेगेंडा करके यूक्रेन में युद्ध लड़ने वाले रूसी सैनिकों का मनोबल कमजोर करना चाहती है?
MI6 के अधिकारियों के इस दावे की चर्चा है कि पुतिन अब एक्टिव नहीं है और सार्वजनिक कार्यक्रमों में उनके हम शक्ल शामिल हो रहे हैं। ब्रिटिश खुफिया अधिकारियों का ये दावा है कि पुतिन के साथियों ने जानबूझकर असली पुतिन को गुप्त रखा है। हो सकता है कि जब तक यूक्रेन का युद्ध चल रहा है इस बात को गुप्त ही रखा जाए कि पुतिन बहुत ज्यादा बीमार हैं या फिर वो मर चुके हैं, ताकि रूसी सैनिकों का मनोबल टूटने ना पाए। पुतिन की सेहत को लेकर लंबे समय से पूरी दुनिया में कई तरह की बातें कही जा रही हैं। क्रेमलिन इन सवालों पर मौन रहता है, अगर कुछ बोलता भी है तो यही कि पुतिन एकदम स्वस्थ हैं। लेकिन यूरोपीय देशों की खुफिया एजेंसियां लगातार दावे कर रही हैं कि पुतिन को कैंसर और पार्किंसंस जैसी गंभीर बीमारियां हैं। पुतिन की सेहत यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच काफी ज्यादा चर्चा में रही है। यूक्रेन की तरफ से भी इस तरह के दावे युद्ध के दौरान ही किए गए हैं। यूरोपीय देशों के एक्सपर्ट कई अखबारों में ये दावे कर रहे हैं कि पुतिन एस्टेरॉयड ले रहे हैं और कैंसर का इलाज करवा रहे हैं। सवाल ये है कि क्या बीमार होने की वजह से उन्होंने अपने हम शक्ल एक्टिव कर दिए हैं। ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों के सूत्र ये भी दावा कर रहे हैं कि इस बात की बड़ी संभावना है कि अगर पुतिन को कुछ भी होता है तो उनकी जगह उनके हम शक्ल को ही दुनिया के सामने उतार दिया जाएगा, ताकि दुनिया को पूरी तरह से धोखे में रखा जा सके। और ये सब इसलिए किया जाएगा ताकि पुतिन की ना मौजूदगी में यूक्रेन युद्ध पर कोई असर ना होने पाए। दरअसल रूस को चलाने वाले पुतिन का करीबियों को लगता है कि अगर पुतिन नहीं रहे तो रूस के अंदर तख्ता पलट हो जाएगा और फिर अगली सरकार यूक्रेन से रूस की सेना को पीछे खींच लेगी। MI6 के एक एजेंट क्रिस्टोफर स्टील ने दावा किया है कि वो रूस के राष्ट्रपति भवन के अंदर के हालात को जानता है और उसे इस बात की भी जानकारी है कि युद्ध से पहले पुतिन ने कैंसर का इलाज करवाया है और जब वो अहम मीटिंग से बाहर रहे तो उनके हम शक्ल का इस्तेमाल हुआ। इस तरह यूक्रेन युद्ध में रूसी सैनिकों का मनोबल टूटने से बचाया गया। खबर तो ये भी है कि पुतिन के यही बॉडी डबल और हम शक्ल जनरलों से मुलाकात भी कर लेते हैं और अलग अलग मीटिंग्स में भी हिस्सा लेते हैं। एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि पुतिन पर खतरे को देखते हुए भी बॉडी डबल या हम शक्लों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इन तस्वीरों को देखिए जिनकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। खबर ये है कि रूस ने मारियोपोल के अंदर थर्मामाइट रेन बम का इस्तेमाल किया है। थर्माइट बम बारिश की बूंदों की तरह टुकड़ों में चलते हुए बंकरों को तोड़ देने की क्षमता रखते हैं। थर्माइट को आग लगाने वाले रॉकेट 9M22S का उपयोग करके दागा जा रहा है। ये एक बेहद खतरनाक बम है जिसमें थर्माइट, धातु पाउडर और धातु ऑक्साइड का मिश्रण होता है। ये इतना खतरनाक है कि 2400 सेल्सियस से अधिक के तापमान पर जलता है और इतना गर्म होने के कारण ये स्टील और कंक्रीट तक को जलाकर राख कर देता है। इंसान के संपर्क में आने पर तो ये हड्डियां भी पूरी तरह पिघला देता है। ये इतना घातक हथियार है कि इंसानी त्वचा को जलाकर दर्दनाक जलन पैदा कर सकता है और इससे सांस लेना भी मुश्किल हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र इन बमों पर प्रतिबंध लगा चुका है, लेकिन फिर भी इस तरह के खतरनाक बमों के उपयोग की आशंका जताई गई है।